दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके सर्जरी इंस्ट्रूमेंट है उनको, जो आपका फाइनल ईयर में भी एग्ज़ाम होता है, रिटेल एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट टेबल होता है उसके अंदर आपको मेनली दो चीज़ें पूछी जाती हैं। नंबर वन तो होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, कि आप बताइए इंस्ट्रूमेंट आपसे उठवाया जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। सेकेंड पूछा जाता है उसका यूज़। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें इस वीडियो के अंदर मेनली बहुत आसान तरीके से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो जो पहला इंस्ट्रूमेंट आता है वो आपका, आप देख सकते हो, इसका नाम है रामप्ले स्वैब होल्डिंग फोरसेप्स। तो जो आपका मेनली प्रोक्सिमल पावर पार्ट है, ये दो लगभग इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेम रहता है। जो आगे वाला पार्ट होता है उससे मेनली डिफर करते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो इसका यूज़ क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया। सेकंड यूज़ आता है इसका क्या होल्ड करने के लिए, टू होल्ड स्वैब्स मॉप्स फॉर आप क्लीनिंग द स्किन विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ब्लड को क्लीन करने के लिए ड्यूरिंग ऑपरेशन फील्ड, और आपका जो पेरिटोनियम को एक साइड में करने के लिए फॉर किडनी एक्सपोजर, और आपका मेम्ब्रेन और डॉटर सिस्ट है ना, हाइड्रेटेड सिस्ट निकालते हैं उस टाइम, इनको रिमूव करने के लिए मेनली हम यूज़ करते हैं। मेनली एक दो यूज़ भी आप बताओगे ना तो वो इनफ रहता है। तो एक मेनली आपका एक यूज़ या दो यूज़ आपको याद करने होते हैं इंस्ट्रूमेंट के। सेकेंड आपका इंस्ट्रूमेंट आता सर्जरी के अंदर, वो आता आपका बोकोस टाउल क्लिप। पहले वाला फोरसेप्स था, ये आपका टाउल क्लिप है। तो मेनली टाउल क्लिप का यूज़ क्या होता है, टाउल क्लिप के टाइप हो सकते हैं, आगे स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है आपका। मेनली इसका यूज़ होता है फॉर होल्डिंग एंड फिक्सिंग ड्रेप सीट्स। सेकंड होता है फिक्सिंग ड्रेप्स टू केबल ट्यूब इन द ऑपरेटिंग फील्ड। तीसरा आपका फॉर होल्डिंग ब्रोकन रिब वाइल फिक्सिंग फ्लेल चेस्ट। तो इन कंडीशन में इसका मेनली यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये सेकेंड था इंस्ट्रूमेंट सर्जरी का, बोकोस टाउल क्लिप। तीसरा आता आपका नीडल होल्डर। नीडल होल्डर, देखिए नीडल होल्डर का मतलब नाम से चल रहा है कि जो आपका मेनली सूचर के टाइम पे नीडल को होल्ड करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। इसका साइज़ हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, मीडियम हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, और आपका स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, ठीक है। मेन इसका ये यूज़ है, मतलब टाइप है। इसके अलावा आपका आगे स्ट्रेट हो सकता है, आगे से कर्व हो सकता है, लेकिन ऊपर वाला कौन सा है, शॉर्ट है और कर्व्ड नीडल होल्डर है। तो ये इस इंस्ट्रूमेंट के बाद की हमने, नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ये है मॉस्किटो हीमोस्टेटिक फोरसेप। ये आपका सेम वैसे लास्ट की तरह स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। इसका यूज़ क्या होगा फिर, इसका यूज़ होता है मेनली टू होल्ड फाइन डेलिकेट ब्लीडिंग वेसल इन ऑपरेटिंग फील्ड, नंबर वन यूज़। सेकेंड आपका सर्कमसीजन प्रोसीजर होता है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। थर्ड होता है आपका टू पंक्चर द मेजो अपेंडिक्स एंड होल्ड अपेंडिकुलर स्टेम इन अपेंडिसोसिटोमी, आपका जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर आपका अपेंडिकुलर स्टेम को होल्ड करने के लिए और मेजो अपेंडिक्स को पंक्चर करने के लिए मेनली इसका हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बात की हमने मॉस्किटो हेमिस्टेटिक फोरसेप्स की, आप देख सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा स्पेंसर वेल हीमोस्टेटिक फोरसेप्स। इसका मेनली आपका टाइप होता है, स्टेट होता है, ये भी आगे से करो हो सकता है, ये डिफरेंट टाइप हुए। उसके बाद आता है इसका यूज़, ये आपका ब्लीडिंग वेसल है ना, ड्यूरिंग कटिंग थ्रोक टिश्यू, उस टाइम ब्लीडिंग वेसल को होल्ड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड आता है आपका क्रशिंग द बेस अपेंडिक्स, स्प्लिटिंग द एब्डोमिनल वॉल मसल इन अपेंडिसेक्टोमी होता है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं हम। तीसरा आता है आपका टू होल्ड द कट मार्जिन ऑफ स्किन रेक्टस सीथ एपिन्यूरोसिस ड्यूरिंग मिड लाइन सीजन और क्लोजर, उसमें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की हमने स्पेंसर वेल हीमोस्टेटिक फोरसेप्स की। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कोचर आर्टरी फोरसेप्स। देखिए कोचर आर्टरी फोरसेप्स में आगे आपको दिख रहे हैं जो डिफरेंस है बाकी फोरसेप्स से, जो टूथ टाइप के आगे जो एंडिंग रहती है वो इसकी एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है। इसका यूज़ क्या होता है, टाइप तो सेम वैसे ही, स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है। इसका यूज़ होगा टू होल्ड ब्लीडिंग वेसल इन द वेरियस ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल थायरॉइडेक्टोमी, मैस्टेक्टोमी, क्रेनियोटोमी में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टू क्रश द बेस अपेंडिक्स इन, जो अपेंडेक्टोमी होता है उसके अंदर हम बेस अपेंडिक्स को क्रश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तीसरा होता है टू होल्ड द मेनिस्कस ड्यूरिंग मेनिस्कोटोमी, ठीक है, ये इसका यूज़ है। लेकिन इसके अंदर देखिए द टिप हैज ए टूथ एंड डीप ग्रूव विच गिव ए फर्म हीमोस्टेटिक ग्रिप। एक साइड आपका देखिए टूथ है और एक साइड जहाँ पर थोड़ा स्पेस है जहाँ पर जाके ये डीप ग्रूव बनाता है, जिसकी वजह से आपका जो फर्मिटी है, फिक्सिटी है, वो आपका अच्छी ग्रिप मिलेगी इसकी वजह से। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका
प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स, ये आपका प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स है। इसका यूज़ क्या होता है? टू होल्ड डेलिकेट स्ट्रक्चर ड्यूरिंग डाइसेक्शन एंड सूचरिंग, मैंने इसका यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, होल्डिंग कट मार्जिन ड्यूरिंग रिसेक्शन एनास्टोमोसिस इन गैस्ट्रोजुजनोस्टोमी, होल्डिंग नर्व ब्लड वेसल पेरिटोनियम एंड हेरनियल सैक। मेनली इसका इन चीज़ों को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है प्लेन डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स का। उसके बाद आता है दोस्त हमारा टूथ, टूथ डाइसेक्टिंग फोर्सेप्स। देखिए आगे से आप से देख सकते हो ऐसे आगे से रहता है, प्लेन के अंदर ऐसा कुछ नहीं था। ये आपका टू होल्ड कट स्किन मार्जिन वाइल सुचरिंग, टू होल्ड लीनिया एल्बा रेक्टसेथ ड्यूरिंग क्लोजर, मेनली इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मायोसीजर। मैं जो मायोसीजर है, मायोसीजर आपके सेम वैसे ही जो बाकी थे उनकी तरह कर्व्ड हो सकता है, स्ट्रेट हो सकता है, शार्प आगे से हो सकता है, ब्लंट हो सकता है। यहाँ पर ऊपर वाला कौन सा है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट है और ब्लंट है। ठीक है, और इसका यूज़ का क्या होगा? यूज़ होता है इसका कटिंग ड्रेसिंग सूचर्स मसल एपिन्यूरोसिस रेक्टसीथ, इन चीज़ों को कट करने के लिए मैली इसका यूज़ किया जाता है मायोसीजर का। नेक्स्ट आता है आपका डीवर्स रिट्रैक्टर, रिट्रैक्शन के मेनली यूज़ किया जाता है, आप देख सकते हो। तो आपका नेक्स्ट चीज़ आता है आपका इसके अंदर कि यूज़ क्या होगा इसका डीवर्स रिट्रैक्टर का, वो होता है आपका फॉर रिट्रैक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर अलोंग विद स्किन फेसिया मसल ड्यूरिंग वेरी सर्जरी। ठीक है, इन सर्जरी द्वारा रिट्रैक्शन, बहुत सारे स्ट्रक्चर को रिट्रैक्शन करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, रिट्रैक्शन ऑफ लीवर ड्यूरिंग गैस्ट्रेक्टोमी, रिट्रैक्शन ऑफ राइट राइट लोब ऑफ लीवर ड्यूरिंग कोलेसिस्टेक्टोमी, तो मैं इनका मेनली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैली रेक्टल स्पेकुलम, इस पार्ट को बोलते हैं हम स्पेकुलम प्रॉपर और इस पार्ट को बोलते हैं ऑब्टूरेटर। यूज़ क्या होगा? फॉर प्रोक्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन, टू डायग्नोस पाइल्स एनल कार्सिनोमा रेक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस, थेरोपेटिक भी यूज़ कर सकते हैं फॉर इंजेक्शन स्क्लेरोथेरेपी फॉर पाइल्स और पॉलीपेक्टोमी, तो इन चीज़ों इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मायोपेडिकल क्लंप। ठीक है, देखिए ये इसकी सेव बाकियों से डिफरेंट काफ़ी। तो मायोपेडिकल क्लंप का यूज़ क्या होता है? ड्यूरिंग नेफ्रेक्टोमी टू होल्ड द रिनल पेडिकल बिफोर डिवीजन, और सेकेंड आता है इन स्प्लीनेक्टोमी टू होल्ड स्प्लीनिक पेडिकल, ये इसका मेन यूज़ होता है। उसके बाद होता है आपका नेक्स्ट डो इंटेस्टाइनल कोक्लूजन क्लैम्प्स। ठीक है, देखिए ये वाला डिफरेंट शेप है इसका, टाइप स्ट्रेट हो सकता है, कर्व हो सकता है। यूज़ क्या होगा? रिसेक्शन एनास्टोमोसिस ऑफ गट, इसका मेन यूज़ होता है। इसके अंदर वर्टिकल सेरेशन होती हैं, देखिए जो बाकी थे उनके अंदर बहुत अंदर ओरिजेंटल थी, देखिए यहाँ पर ऐसे हैं वर्टिकल लंबी लंबी, ऐसे सरेसन है, आप देख सकते हो, इससे आपको इसको आइडेंटिफाई करना होता है। नेक्स्ट आता है आपका लेहे राइट एंगल फोरसेप्स, आपका आगे से राइट एंगल है। यूज़ क्या होगा? टू डाइसेक्ट पेडिकल ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, टू एड पासिंग ऑफ लाइगेज अराउंड देम, फॉर एग्जाम्पल सिस्टिक डक्ट एंड आर्टरी इन कोलेसिस्टेक्टोमी एंड स्प्लीनिक आर्टरी एंड वेन इन स्प्लीनेक्टोमी, तो इसका मैंने ये यूज़ होता है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट एलिस टिश्यू फोरसेप्स, ये इसका क्या यूज़ होता है आगे से देखिए, काफ़ी डिफरेंट है। टू होल्ड वेरियस टिश्यू इन वेरियस ऑपरेशन, फॉर एग्जाम्पल स्किन फ्लैप्स वाइल एक्सीजिंग लाइपोमा सिस्ट हर्निया, लीनिया एल्बा इन मिड लाइन इंसीजन और नेक और ब्लैडर ड्यूरिंग रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर, तो ये आपका मैंने इसका यूज़ होता है एलिस टिश्यू फोरसेप्स का। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट फोरसेप्स बेबकॉक टिश्यू फोरसेप्स, देखिए का इसके अंदर आगे स्पेस है, ये कौन से स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए होता है? टू होल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल होल्डिंग द ड्यूडेनम ड्यूरिंग कोलेको ड्यूडेनोस्टोमी, थ्री पेयर फॉर होल्डिंग द अपेंडिक्स नियर स्टिप बॉडी एंड बेस ड्यूरिंग पेंडिसेक्टोमी। ठीक है, तो ये इसका मेन यूज होता है। नेक्स्ट आता है आपका मोहिहन कोलेसिस्टेक्टोमी फोरसेप्स, इसका यूज़ ये आपका कोलेसिस्टेक्टोमी हो तो उसका मेन इसके अंदर यूज किया जाता है। वन पेयर इज यूज फॉर होल्ड फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, वन पेयर इज टू होल्ड नियर द हार्ट वन पाउच,
ये वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो आप इसको इमेज बुक के अंदर दे सकते हो या और कहीं भी दे सकते हो। तो इसकी आप देखिए, यहाँ से देख लो, मैंने जूम कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारा डेसजार्डिन कोलिडो कोलिथोटोमी फोर्सेप्स। ये इसके आइडेंटिफिकेशन यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो। यूज़ क्या होगा, टू रिमूव स्टोन फ्रॉम बाइल डक्ट इन द ओपन कोलिडो कोलिथोटोमी। और आपका इस सेकंड आता है टू रिमूव स्टोन फ्रॉम रिसेक्टेड गॉल ब्लैडर इफ इट गेट्स स्टक ड्यूरिंग डिलीवरी थ्रू द पोर्ट वाउंड इन लैप कोलेसिस्टेक्टोमी। ठीक है, इन दोनों के अंदर हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ओपन के अंदर भी और लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर के अंदर भी। नेक्स्ट आता है आपका कीहर्स टी ट्यूब। ये आपका पीवीसी से बना होता है, यूज़ होता है इसका अंदर टू ड्रेन द बाइल डक्ट आफ्टर कोलेडो कोलिथोटोमी और फॉर टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी और स्टेंट ए कोलिडोको जेजनोस्टोमी और यूरेट्रिक इंजरी के अंदर आपका इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, टी ट्यूब। नेक्स्ट आता है हमारा राइल्स ट्यूब। तो राइल्स ट्यूब है दोस्त, राइल्स ट्यूब्स का आपको पता होना चाहिए कि एक तो इसकी पिक्चर आपको यहाँ से देख लो आराम से। ये आपकी एक नेजोगेस्टिक ट्यूब होती है, ये मार्किंग होती है 1 2 3 4। ये आपके 40 50 60 65 डिस्टेंस फ्रॉम टिप होता है, जो आपका क्या क्या इंडिकेट करती हैं। 40 मतलब गैस्ट्रोएसोफेगियल जंक्शन, बॉडी ऑफ स्टोमक, पाइलोरस, 60 65 ड्यूडेनम। और आपका सब कुछ ट्यूब के अंदर फोर्थ मार्क नहीं होता है। यूज़ क्या होगा इसका, डायग्नोस्टिक गैस्ट्रिक फंक्शन टेस्ट, बेड टेस्ट एंड ट्रैकियो इसोफेजियल फिचूला के लिए डायग्नोस्टिक यूज़ ये होता है इसका। थेरोपेटिक इसमें होगा पेलेस्टिनोसिस, पैरालिटिक एलियस, अपर जे ब्लीडिंग, पेरिटोनाइटिस और आपका फॉर फीडिंग पर्पज, किसी केस में कोमाटोज, मैगजिलो फेशियल इंजरी और हेड नेक सर्जरी के अंदर मेनली यूज किया जाता है। और जो ग्रीन लाइन होती है वो रेडियो ओपेक होती है और ये आपका एक्सरे के अंदर दिख जाएगी ग्रीन वाला पार्ट। नेक्स्ट आता है हमारा कोरूगेटेड ड्रेन। ये जितने भी दिख रहे हैं आपको ये ड्रेन है, ये आपका रबर के हो सकते हैं, पीवीसी के हो सकते हैं। ये वाला पीवीसी का है, ये आपका ब्लड को ड्रेन करने के लिए पस और बाइल जो आप बहुत सारे ऑपरेशन के बाद ड्रेन करने के लिए मेनली यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हिपेड्रेनल पाउच और मोरिसन आफ्टर कोलेसिस्टेक्टोमी के अंदर डाल के ड्रेन किया जाता है। ठीक है, लेसर सेक्ट आफ्टर पेनक्रेटिक रिसेक्शन और जो आपका ब्रेस्ट फ्लैप है वो आफ्टर मेसेक्टोमी हम इसको डाल सकते हैं जहाँ से ड्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका सिंपल रबर कैथेटर। ये आपका टू रिलीव एंड प्रिवेंट रिटेंशन ऑफ यूरिन के लिए यूज किया जाता है, टू चेक पेटेंसी ऑफ यूरेथ्रा इन सस्पेक्टेड इंजरी। और आपका इंट्रावेसाइकल ड्रग होती है ना बीसीजी, लाइक बीसीजी इन कार्सिनो ब्लेडर, उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन यूरोजेनिक यूज़ मतलब ऑक्सीजन कैथेटर यूज़ कर सकते हैं, डायग्नोसिस ऑफ इसोफेजियल एट्रेसिया के लिए यूज़ कर सकते हैं और एरीगेट एब्सेस कैविटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फोलेज कैथेटर। फोलेज जो कैथेटर होता है ये आपका टू वे और थ्री वे सेल्फ रिटेनिंग ब्लून ट्रबर कैथेटर आता है। टाइप टू वे हो सकता है, थ्री वे हो सकता है। यूज़ ऑफ सेम रिटेंशन ऑफ यूरिन को रिलीव करने के लिए, रिटेंशन ऑफ यूरिन को प्रिवेंट करने के लिए और एमिनोफ्यूजन इन्फ्यूज़न के लिए यूज़ करते हैं। जो टू वे होता है वो आपका कलर ट्यूब होती है, वो आपके इन्फ्लेशन बलून के लिए यूज़ की जाती है और मेन ट्यूब होती है वो ड्रेनेज के लिए यूज़ की जाती है। थ्री वे के अंदर कलर ट्यूब आपका बलून को इन्फ्लेट करने के लिए, मिडल ट्यूब आपका यूरिन को ड्रेन करने के लिए और जो तीसरी ट्यूब बच गई वो आपका एरीगेटिंग द ब्लैडर के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट आता है आपको नीडल। नीडल के अंदर आपका देखिए इसके अंदर क्या यूज़ होगा, क्रॉस सेक्शन है वो आपका राउंड बॉडीड, यदि आपका क्रॉस सेक्शन है तो आपका सॉफ्ट टिश्यू को सूचर करने के लिए कन्वेंशनल कटिंग, आपका जो नीडल है वो आपका सूचर होता है उसको थ्रो टफ स्ट्रक्चर में उसको कटा करने के लिए, और जो आपका रिवर्स है, रिवर्स कटिंग, टेपर कटिंग, ये डिफरेंट टाइप के क्रॉस सेक्शन अकॉर्डिंग इनका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ होता है। जो ट्रोमेटिक नीडल होता है, एक ट्रोमेटिक नीडल होता है, यह आपका
विद आई एट वन एंड और फोर अटैचिंग सूत्र, ठीक है। ये डिफरेंट इसके टाइप हैं और डिफरेंट टाइप अकॉर्डिंग इसका मेनली यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा सूत्रस, बहुत सारे होते हैं देखिए। एक आपका ऑब्जॉर्बल, नॉन ऑब्जॉर्बेबल के अंदर आपको नेचुरल आता है, सिंथेटिक आता है। ऑब्जॉर्बेबल के अंदर आपको नेचुरल के अंदर प्लेन और क्रोमिक कैडगट आता है, सिंथेटिक के अंदर पॉलीग्लोनिक और पॉलीग्लेक्टिन यूज आते हैं। और इन इनके जो नंबर ऑफ स्टैंड के अकॉर्डिंग इसको हम मोनोफिलामेंट और पॉलीफिलामेंट के अंदर इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको डिटेल के अंदर थोड़ा जानना पड़ेगा कि कौन से सूत्र कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके अलावा आप बुक के अंदर जो बाकी चीज़ें हैं वो पढ़ सकते हो, जैसे कुछ हैं पार्कर हैंडल, सर्जिकल ब्लेड्स, मेलेकोट कैथेटर, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टोमी हुक, पाइल होल्डिंग फोर्सेप्स, ठीक है। इसके अलावा मैं जो मेन इंस्ट्रूमेंट थे वो मैंने आपसे डिस्कस किया।